नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सवाल है क्वेश्चन सेज फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज डिस्टेंस डी एज शोन इन द फिगर सवाल ये वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट और ट्वेल्थ ऑफ 12 मीटर विल बी हमारे ऑप्शन है अट्ठारह जूल इक्कीस जूल छब्बीस जूल या फिर तेरह जूल सिंपल uh, सवाल है uh, यहाँ पर अपने को जो फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम ग्राफ जो दिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है ये आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये अपना जीरो तीन सात और बारह मेरे ख्याल ये दिया है जीरो तीन सात और बारह सो केस में हमें ये पता है कि वर्कडन जो होएगा uh, उसको हम लिख सकते हैं वर्कडन uh, जो होएगा Uh, वो आपका एरिया अंडर वगडन जो आता है अपना वो एफ डॉट डी एस लिखते हैं हम सो विच एम्प्लाई दिस विल बी एरिया अंडर एफ डी ग्राफ जो आएगा उसका बेसिकली एरिया हमें निकालना है सो so अगर यहाँ पे देखेंगे वैल्यू uh, ये दो न्यूटन है सो so हमें बस ये एरिया और ये एरिया निकालना है तो so अगर तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया आता है तो बहुत बढ़िया नहीं आता है तो एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के हमें उसको ऐड करना है इट सो right. so, ये एरिया हो जाएगा दिस विल भी फोर एंड टू सो दिस विल बी एट एंड दिस विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज टू टू मल्टीप्लायड बाय दिस इज़ फाइव सो ये हो गया एट प्लस फाइव सो आपका जो वर्कडन आ गया वो आ गया तेरह जून सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी थर्टीन जून वुड भी द राइट आंसर